राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह साबित कर दिया कि वह गरीबों के नेता हैं और गरीबों के मसीहा हैं। हम इसलिए यह बात करें क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीते दिन देवघर गए हुए थे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अचानक जसीडी स्टेशन पर पहुंच गए और लालू प्रसाद यादव ने यह तय किया कि वह फ्लाइट से पटना नहीं बल्कि ट्रेन से सफ़र करके पटना जाएंगे और लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद थी। और फिर क्या था, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यात्रियों के बीच में उनके साथ में ट्रेन में एक आम आदमी की तरह बैठ गए और यात्रा शुरू कर दिए। देखिए, लालू प्रसाद यादव शुरू से ही कह रहे हैं कि उनकी जो जीवन है खुली किताब है और लालू प्रसाद यादव गोपालगंज के फुलवरिया के जन्मे हैं और मिट्टी के लाल हैं और गरीबों के नेता हैं। आज लालू प्रसाद यादव ने साबित कर दिया, भले ही लालू प्रसाद यादव के ऊपर विरोधियों के द्वारा हमलावर होते हो, लगातार उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन एक बात तय है कि लाखों नेता इस धरती पर हुए लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसा गरीबों का नेता कोई नहीं है। और लालू प्रसाद यादव की चर्चा अब खूब हो रही है क्योंकि जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर लालू प्रसाद यादव आम यात्रियों के बीच में बैठकर और ट्रेन में सफ़र किए, उसके बाद से चर्चा खूब हो रही है। और स्टेशन पर लालू प्रसाद यादव के साथ एक तस्वीर लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में यात्रियों की भीड़ लग गई और लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ ट्रेन में बैठकर यात्रा किए। देखिए, लालू प्रसाद यादव बिहार गोपालगंज के फुलवरिया गांव के रहने वाले हैं और लालू प्रसाद यादव यह साबित कर दिए कि वह मिट्टी के लाल हैं और मिट्टी के नेता हैं, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव अपने इसी अंदाज के लिए शुरू से ही जाने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव का जो अंदाज है गांव के लोगों से जुड़ा हुआ, उनका बिल्कुल हाव भाव, वही तो लोगों को अच्छा लगता है। और लालू प्रसाद यादव इतने फेमस नेता हो गए, लालू प्रसाद यादव की पॉपुलैरिटी ना सिर्फ बिहार में, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लालू प्रसाद यादव की चर्चा होती है। और यह जो तस्वीर सामने निकल कर आई उसके बाद से अब लालू प्रसाद यादव की चर्चा और शुरू हो गई है। देखिए, लालू प्रसाद यादव कई बीमारी से ग्रसित थे लेकिन अब लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हो गए हैं तो लगातार लालू प्रसाद यादव मंदिर में जा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बीते दिन अगर आप नज़र डालें लालू प्रसाद यादव पर तो गोपालगंज गए हुए थे अपने गाँव में, तो माँ थावे वाली के यहाँ जाकर पूजा अर्चना किए, उसके बाद सोनपुर में बाबा हरियरनाथ मंदिर में जाकर पूजा किए और देवघर में और उससे पहले पटना में भी लालू प्रसाद यादव पूजा करते हुए नजर आए। इन दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ना सिर्फ स्वास्थ्य में बल्कि राजनीति में भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं और विरोधियों पर हमलावर दिख रहे हैं। खास करके बीजेपी पर लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से तेवर में रहते हैं और मोदी को लेकर, नरेंद्र मोदी जी को लेकर खास तौर पर हमला बोलते हुए लालू प्रसाद यादव दिखते हैं। आप क्या सोचते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बिहार एक सोच आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।